हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग ब्रश किस प्रकार से खींच सकते हैं या ब्रश स्ट्रोक किस प्रकार से होता है अल्पना में। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि ब्रश खींचने के ब्रश स्ट्रोक अच्छे से दिखाने के लिए, तो इसलिए आज मैंने वीडियो को रियल टाइम रखा है और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग किस प्रकार से ब्रश खींच सकते हैं। देखिए, अल्पना में ब्रश खींचने का जो सबसे मेन प्रोसेस है वो आपका बैलेंस है। तो इस प्रकार से देखिए, आपको आखिर में जो उंगली है उससे बैलेंस करना है और फिर आप लोगों को ब्रश को खींचना है। देखिए, इस प्रकार से बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, मेरा उंगली आखिर का जो उंगली है उससे मैं बैलेंस बनवा रहा हूँ और फिर ब्रश खींच रहा हूँ। तो बैलेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है अल्पना में आप लोगों को ब्रश स्ट्रोक्स के लिए। तो आप लोग इस प्रकार से कोशिश करिए कि आप लोग आखिरी उंगली से बैलेंस करने के और फिर इस प्रकार से ब्रश खींचने के लिए। तो देखिए कैसा लगा किस प्रकार से ब्रश खींचना है। और अगर आप लोगों को और किसी प्रकार के कोई भी समस्या है, कोई कुछ जानना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस प्रकार से वीडियो बनवाने की कोशिश करूँगा। देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ और जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं वो वीडियो आप लोग के लिए बनवाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो देखते रहिए और भी नए नए अल्पना के डिज़ाइन के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।